नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। जनपद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के हाल बेहाल। मोमदाबाद में भाजपा खाता खोलने के लिए भी तरसी। डॉक्टर सुबोध यादव की पत्नी ने की रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। जनपद में चारों ओर से भाजपा के समर्थित दुखभरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं मोमदाबाद की। हमारे संवाददाता कुलदीप बातन की जानकारी अनुसार डॉक्टर सुबोध यादव की पत्नी श्रीमती रश्मि यादव ने जिला पंचायत की सदस्यता ऐतिहासिक व सुर्खियों के साथ जीत दर्ज कराई। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सत्ताधारी पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशियों का खाता तक नहीं खोल पाई। वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी श्रीमती रश्मि यादव ने भाजपा प्रत्याशी क्रांति देवी को 1028 वोटों से परास्त किया। श्रीमती रश्मि यादव को 6996 मत मिले जबकि क्रांति देवी को 5968 मत मिले। वहीं वार्ड नंबर 2 से भोला यादव की पत्नी किरण यादव ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुषमा साके को 1100 मतों से हराया। क्रम यादव को 5275 एवं सुषमा साके को 4175 मत मिले। वार्ड नंबर 3 का भी यही हाल है। वार्ड नंबर 3 में मोनिका यादव ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी बदन सिंह लोधी को 4400 मतों से पराजित किया। मोनिका यादव को 11511 बा बदन सिंह को 711 मत मिले। सपा समर्थित प्रत्याशी आलोक यादव ने भाजपा प्रत्याशी महावीर राजपूत को 6094 वोटों से परास्त किया। आलोक को 12468 एवं महावीर को 6374 मत मिले। अब हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी मंजीता पाल ने सपा समर्थित प्रत्याशी अमित यादव को 3536 वोटों से परास्त किया। मंजीता को 7698 एवं अमित को 4162 मत मिले। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि मंजीता पाल को डॉक्टर सुबोध यादव ने मैदान में उतारा था, इसलिए पांचों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के ही बताए गए। तो दोस्तों, खबर आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।